हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं मसाला पूरी और कद्दू की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि एकादशी में चावल नहीं डालना था तो मैंने आज यही बनाया है इसको आप चाय के साथ भी नाश्ते में सर्व कर सकते हैं इसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है इसमें मैं कचौरी मसाला मिला दे रही हूँ और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मंगरेल डाल लेंगे थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालेंगे और उसमें नमक भी थोड़ा सा डालेंगे आटे में क्योंकि नमक उसमें मिला हुआ है मसाले में इसलिए थोड़ा ही डालेंगे ऑयल दो चम्मच डालेंगे और दो चम्मच मैंने सूजी डाला है दो चम्मच बेसन पूरियों को खस्ता करने के लिए और करारी करने के लिए सभी को मिक्स करके इसमें हरी धनिया भी मैंने डाल दिया है बारीक जिससे कि पूरीों का कलर देखने में अच्छा लगे और स्वाद भी अच्छा है पानी से इसका डो लगा लेना है पूरी किया डो जिस तरह पूरी का लगाते हैं सख्त उसी तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा करके हाथ में आटे को सेट करके ढक करके 10 मिनट के लिए रख देना है तब तक मैं सब्जियों की भी तैयारी कर रही थी उसके बाद मैं 10 मिनट बाद उधर मैंने सब्जियां कट कर ली हैं और इधर आटे को फिर अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा करके थोड़ा सा आटे को फिर से मसल करके और सभी चीज़ों में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे बेलन वगैरह में और थोड़ा सा लम बड़ा सा बेलेंगे एक और उसके बाद मैंने एक चौकोर डिब्बा लिया है जिसका ढक्कन हटा करके इस तरह से इसको कट कर दिया है देखने में ये पूरियाँ सुंदर लगती हैं चौकोर चौकोर बच्चों को बहुत पसंद आती हैं आप नॉर्मल गोल गोल पूरियाँ भी बना सकते हैं किसी ग्लास वगैरह से कट करके या वैसे भी लेकिन ये देखने में अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसको बनाया है एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा आपको बहुत पसंद आने वाली है बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगी पूरियाँ इतनी टेस्टी बनती हैं कि एक बार आप बनाएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छी लगेगी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मैंने इसको चाय के साथ भी सर्व किया अब मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ तो मैंने एक आलू लिया है और आधा कद्दू लिया है जो छोटे वाले कद्दू होते हैं उसी को फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दिया है और पंचपोरन डाल रही हूँ तो मैंने मेथी जीरा अजवाइन और मंगरल और सौंफ लिया है इसको मैं तड़कने के लिए डाल दे रही हूँ एकादशी है इसलिए मैं प्याज़ नहीं डाल रही हूँ लहसुन नहीं डाल रही हूँ नहीं तो आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं मैंने अदरक कद्दूकस करके डाला है हरी मिर्च डाला है सभी को अच्छे से तड़कने दिया है और कलर चेंज होने पर मैं इसमें कद्दू डाल दे रही हूँ कद्दू के डालने के बाद जो आलू रखी थी एक मैंने उसको भी डाल दिया है और इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे तो मैंने हिंग थोड़ी सी डाली है कद्दू की सब्जी थी इसलिए और हाथ थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसको ढक करके पकाना है जब सब्ज़ी पक जाए तो इसमें मैं पुदीना मेरे पास सूखी पत्ती थी आप हरा पुदीना भी डाल सकते हैं मैंने पिछले साल से ही रखा था वही डाला है इसको सर्व कीजिए बहुत ही टेस्टी थी